सब्सक्राइब करें हमारा चैनल स्टडी टेस्ट टुडे और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेस्ट टुडे में आपका स्वागत है। और आज पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी में पढ़ेंगे कोशिका। कोशिका से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हम सबको इंक्लूड किए हैं। पहले कोशिका के बारे में समझेंगे, फिर उसके बाद टेस्ट लगाएंगे, जिससे कि टेस्ट लगाएंगे तो आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। देखिए, हम बायोलॉजी चैप्टर वाइज क्लास चल रहा है। आज जो फ्रेंड्स नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और हमारे चैनल में रेगुलर बने रहें। और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें। कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में पूछ सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले समझेंगे कोशिका। कोशिका के बारे में समझेंगे, कोशिका को पहले समझेंगे, फिर उसके कुछ भाग, महत्वपूर्ण भाग पढ़ेंगे। जैसे जैसे क्वेश्चन बनते हैं, अक्सर क्वेश्चन देखने को जिस मिलता है कोशिका से, वो भाग जरूर देखेंगे। जैसे रित्तिका, केंद्रक हो गया, राइबोसोम हो गया, माइटोकांडिया, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति। एक बार फिगर से अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, और गाल्जी का, इनके जो महत्वपूर्ण हैं इनके पूरे डिटेल्स पढ़ेंगे। तो कोशिका होती क्या? तो कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है। और कोशिका के अध्ययन के विज्ञान को हम साइटोलॉजी भी कहते हैं। ये तो एग्जाम में देखने को हमेशा क्वेश्चन मिल जाता है, साइटोलॉजी। और जो कोशिका की खोज किए थे वो रॉबर्ट हुक थे। कभी कभी कोशिका का शब्द देता है, कभी कोशिका खोज देता है, तो रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे, वही कोशिका का खोज किए थे फ्रेंड्स। अब समझेंगे सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है, और सबसे लंबी कोशिका कौन होती है। तो सबसे पहले समझेंगे सबसे छोटी कोशिका। तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकमा की होती है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकमा, ध्यान से आप लोग देखिएगा फ्रेंड्स। और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, सबसे बड़ी कोशिका। और जो सबसे लंबी होती है, सबसे लंबी जो तंत्रिका तंत्र की होती है। तीनों को एक बार दो बार जरूर देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा कौन सबसे बड़ी कोशिका है, कौन सबसे छोटी कोशिका है, और कौन सबसे लंबी कोशिका है। ये तो क्वेश्चन में आपको ज़रूर मिल जाएंगे देखने को पेपर में। और एक बार फिर देख लीजिए, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकमा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। अब कोशिका के कुछ भाग पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण भाग हैं, वो जैसे कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकांडिया, गाल्जिका, लाइसोसोम, जीव द्रव्य, राइबोसोम। और अब समझेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति होती क्या है इसके बारे में समझेंगे। तो कोशिका भित्ति होती है, जो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित रहती है, मतलब जो कोशिका भित्ति होती है यह पेड़ पौधों में पाई जाती है और इस जीव जंतुओं में इसका नहीं पाई जाती है। जो जीव जंतु हैं उसमें नहीं ये पाई जाती है कोशिका भित्ति। और इसका जो मेन है तो यह सेलुलोज की बनी होती है। जो कोशिका भित्ति होती है वह सेलुलोज की बनी होती है। और अब समझेंगे कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली क्या होती है? तो कोशिका झिल्ली जो होती है यह एक अर्धपारगम्य झिल्ली, जिसका कार्य अणुओं का परिवहन करना होता है। जो कोशिका झिल्ली होता है वो छोटे छोटे जो अणुओं होते हैं उनका परिवहन करती हैं। और इसका जो मेन टॉपिक होता है यह लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जो होती है यह लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। एक कोशिका भित्ति था वो सेलुलोज की बनी थी। ध्यान से दोनों को देख लीजिएगा, एक बार दो बार वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ताकि सबके बारे में अंतर मालूम हो जाएगा, अच्छे से दिमाग में बैठ भी जाएगा और अंतर भी समझ में आ जाएगा। और अब समझेंगे माइटोकांडिया। माइटोकांडिया क्या होता है? तो माइटोकांडिया की जो खोज किए थे वो अल्टमैन एक वैज्ञानिक थे, वो खोज किए थे
माइटोकांडिया का। तो माइटोकांडिया जो होती है कोशिकाओं में ऑक्सीकरण यहाँ पे हो जाएगा, ऑक्सीकरण इसी के द्वारा होता है, मतलब माइटोकांडिया के द्वारा जो होती है कोशिकाओं में ऑक्सीकरण होता है, और इसमें डीएनए आरएनए राइबोसोम पाए जाते हैं। तो ध्यान रख लीजिएगा कि माइटोकांडिया में डीएनए आरएनए राइबोसोम पाई जाती है, और माइटोकांडियों को ऊर्जा का गृह मतलब पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकांडिया के। तो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स जो माइटोकांडिया को कोशिका का ऊर्जा गृह पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। कम से कम एक बार वीडियो को दो बार जरूर देख लीजिएगा, जरूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। और अब समझेंगे गालजीकाय के बारे में समझेंगे। तो गालजीकाय सिंपल सा है, बस इसका मेन टॉपिक समझ ले रहे हैं हम लोग। तो इसे कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है, मतलब जो गालजीकाय होती है वो पहुंचाने का कार्य करती है, मतलब जो कोशिकाओं के जितने विभाग होते हैं जो कार्य करते हैं वो गालजीकाय वह उनको प्रदान करता है, जिसे पहुँचाने का कार्य करता है मतलब यातायात। तो इनको एक देख लीजिएगा फिर, इसको अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे, हमारा उम्मीद यही है। और अब समझेंगे लाइसोसोम, लाइसोसोम क्या होता है ये समझेंगे। तो लाइसोसोम को हम कहते हैं, इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। इसका एक चीज़ अक्सर है तो एग्जाम में पूछता है कि लाइसोसोम को क्या कहते हैं, तो आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। टेस्ट लगाएंगे तो जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, तो देख लीजिएगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है। अब समझेंगे राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम के बारे में अच्छे तरह से समझ लेंगे हम लोग। तो राइबोसोम में होता क्या है, तो देखिए इसमें जो होता है इसका जो मुख्य कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। जो राइबोसोम का जो मुख्य कार्य है वो प्रोटीन संश्लेषण करता है, और इसका तो सबसे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो इससे क्वेश्चन बनते हैं कि इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं इसको। एक बार जरूर ध्यान से देख लीजिएगा, एक बार दो बार देखेंगे तभी अच्छे तरह से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। और अब समझेंगे जीव द्रव्य के बारे में। जीव द्रव्य के बारे में अच्छी तरह से हम लोग समझ लेंगे। तो जीव द्रव्य का जो शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किए थे वो पुरकिंजे एक वैज्ञानिक थे, वो सबसे पहले क्वेश्चन वहाँ से बनता है कि कौन जीव द्रव्य का सबसे पहले नामकरण किया था, तो हमारा आंसर रहेगा पुरकिंजे। तो अच्छे तरह से देख लीजिएगा। और जो जीव द्रव्य प्रत्येक कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है, वो फिगर में आप दिखाए थे जीव द्रव्य, फिगर को एक बार फिर से देख लीजिएगा। पाए जाने वाला अर्ध पारदर्शक चिपचिपा एवं तरल पदार्थ होता है, और इसका जो क्वेश्चन बनते हैं मेन टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं कि इसे कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। जो जीव द्रव्य में होता है इसमें जीव द्रव्य में कार्बनिक और कार्बनिक दोनों पदार्थ पाए जाते हैं, तो इससे अक्सर क्वेश्चन देखने को एग्जाम में आपको मिल जाएंगे। तो ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को, एक बार दो बार, नहीं समझ में आया तो तीन बार, जितना बार देखेंगे इतना उतना ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि एक बार दो बार देखेंगे तो दिमाग में पूरा डिटेल्स कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो कम से कम देख लीजिएगा अच्छी तरह से, समझ लीजिए अभी अच्छे। तो चलते हम लोग टेस्ट लगाने, टेस्ट लगाएंगे तो अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी जितने क्वेश्चन पढ़े हैं। तो चलते हम लोग टेस्ट लगाने। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था, मतलब कोशिका शब्द। तो रॉबर्ट हुक ने, ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा, मतलब कोशिका में अगर राइबोसोम नहीं होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। हम आपको थ्योरी में बताए थे, तो राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है और उसको प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं, जिसे राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन, यदि माइटोकांडिया काम करना बंद कर दे तो कोशिकाओं में कौन सा कार्य नहीं होगा,
तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और माइटोकांड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल या कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहा जाता है, थ्योरी में हम बताए थे आप लोगों को। और हमारा अगला क्वेश्चन, कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? तो माइटोकांड्रिया को, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? तभी हम आपको ऊपर बताए थे आप लोगों को। तो राइबोसोम में होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। और हमारा अगला क्वेश्चन, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? तो हम फिगर में आप लोगों को बताए थे, दिखाए भी थे। तो कोशिका भित्ति हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है? तो ध्यान से आप पढ़े होंगे तो जरूर जानते होंगे। तो लाइसोसोम को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 80% से अधिक कोशिका में पाया जाता है, मतलब 80% से अधिक क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाई जाती है, एक चर्बी पाई जाती है, खनिज जल। तो 80% से अधिक जल पाई जाती है हमारा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। और हमारा अगला क्वेश्चन, गालजिकाय का प्रमुख कार्य है? तो श्रावी हो जाएगा, श्रावी, इसका जो मुख्य कार्य होता है श्रावित होता है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जो फ्रेंड्स नए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, और हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सबसे छोटी कोशिका है? ये तो हम बताए थे शुरू में ही आप लोगों को। तो माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी जो थी शुतुरमुर्ग के अंडे की थी, और जो सबसे लंबी थी वो तंत्रिका तंत्र की कोशिका थी। तो तीनों को ध्यान में रख लीजिएगा आप लोग। और हमारा अगला क्वेश्चन, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हमेशा एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। तो हैदराबाद हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन है, माइटोकांड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो देखिए, जो माइटोकांड्रिया होती है वो कवक में भी पाई जाती है, विष्ट जो होता है फफूंद इसमें भी पाई जाती है, जीवाणु जीवाणु में नहीं पाई जाती, और हरे शैवाल में भी माइटोकांड्रिया मिलती है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जीवाणु। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, मतलब कौन से वैज्ञानिक थे जो किए थे? तो पुरकिंजे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।